दोस्तों, आज अब भली भांति जानते हैं कि भारत का कानून ऐसा है कि यदि किसी भी मामला को कोर्ट कचहरी में ले जाया जाता है और उसमें लड़की तथा लड़के की मामला हो, पति तथा पत्नी की मामला हो, तो उसमें सारा का सारा जो कसूरवार होता है वो पति ही होता है। पत्नी कभी गलत नहीं होती है भारत के कानून के नज़रिए से। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आप ऊपर स्क्रीन पर जो फोटो देखें वो है गाजियाबाद के निशा शर्मा, जो कि एक समय हुआ करता था जब वो बहुत ही प्रचलित थी। तथा हुआ यूँ था कि उसके दरवाजे पर बारात आई थी तथा वो ये कह करके उस बारात को घुरा दी कि हमारे जो ससुराल वाले हैं वो दहेज लोभी हैं तथा हमसे दहेज मांग रहे हैं, और उस पर मुकदमा चलाया गया, केस हुआ, और जो वो लड़के के तरफ से जो थे सारे के सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। लड़का नौकरी करता था, लड़का को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, 8 महीना जेल में रहा। फिर 8 महीना जेल में रहने के बाद जब वो निकला तो 8 साल तक उसे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा। और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना कितना पैसे की नुकसान होती है आप जानते ही हैं। एक डायलॉग भी है कि हॉस्पिटल तथा कोर्ट का यदि चक्कर लग गया और हमें चक्कर लगाना पड़े ना, तो सारी की सारी जायदाद संपत्ति समाप्त हो जाती है। जो लड़के की माँ थी उसकी सरकारी नौकरी थी, उसे भी सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। उसके जो पिता थे उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया, जबकि सोचिए कि उनकी कोई गलती नहीं थी, वैसा दहेज का डिमांड वो लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन सारा का सारा जो खेल था वो जानबूझ करके उस लड़की के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए किया गया था। यानी कि उसे उस लड़के से शादी नहीं करनी थी बल्कि उसे अपनी बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी, इसीलिए उस लड़की के द्वारा जानबूझ करके ऐसा भ्रम फैलाया गया तथा लोगों के सामने झूठी बात कही गई, थाना के सामने झूठी बात कही गई तथा प्रशासन ने, कानून ने, कोर्ट ने, कचहरी ने उसके बात को मान लिया तथा उस बेगुनाह लड़के को उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। लेकिन खैर, आप जानते हैं ना कि जिस तरह से यदि कोई करता है तो उसका जो नतीजा होता है, उसका जो फल भुगतना रहता है ना, उसे इसी जन्म में आराम से लौट करके वापस उसे मिलता ही है। तो खुद उसकी भाभी ने उसके सारे घर वालों पर केस कर दिया वही दहेज प्रताड़न को लेकर के, और आज वही निशा शर्मा जेल में चक्की पीस रही है। और उस घर के और भी लोग हैं जो कि जेल में सड़ रहे हैं। तो सोचिए कि ऐसी जो की जाती है, ऐसी घटिया जो व्यवहार किसी को, बेगुनाह व्यक्ति को यदि फंसाने के लिए किया जाता है तो उसका भुगतना उसे वापस जरूर मिलता है, और यही हो रहा है इस निशा शर्मा के साथ। लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऐसे मामले देखते हैं जिसमें ऐसा होता है कि बेगुनाह लोगों को दहेज प्रताड़न के केस में डाल करके उन्हें फंसा दिया जाता है, बिना मतलब के उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, फंसा दिया जाता है।